कथा कथन में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है, शीर्षक है साग मीत, लेखक भीष्म सहानी। साग मीट ले, साग मीट बनाना भी कोई मुश्किल काम है। आज रात का खाना यही खा के जाना, तेरे सामने बना लूंगी, खा भी लेना और सीख भी लेना कैसे बनता है। साग मीट तो इन्हें बहुत पसंद है, जब भी दोस्तों का खाना करते हैं साग मीट जरूर बनवाते हैं। पर हाय, साग मीट तो जगह बनाता था। क्या बनाता था? उसमें लहसुन डालता था, घी डालता था, जने क्या क्या डालता था, पर क्या बनाता था। उसके हाथ में बड़ा रस था, आज होता ना तो उसे हाथ से बनवा के खिलाती तुझे। पर खैर, मेरे घर में तो महीने के 3-3 देसी घी के डब्बे निकल जाते हैं और नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है। अब क्या पता मुए हमें डालडा खिलाते और खुद देसी घी खा जाते हैं। आजकल किसी का ऐतबार भी तो नहीं कर सकते ना। फिर भी मैं कहती हूँ चल खाएं, खाने दे, कितना खाएंगे। मुझसे अपनी जान ना संभलती और मुझसे तो ताले भी ना लगते, मैं कहां तक देखती रहूं। और ये मथरा ना मथरा, 7 रोटी दिन के खाता है सुबह और 7 शाम को, और दिन भर में 3-4 कप चाय और जो मिठाई हो वो भी घर में दो इसको। पर जग्गा, हाय, बड़ा ही नेक बंदा था, इन्हें बहुत मानता था। मजा ले इनके मुंह से कोई शब्द निकल जाए पूरा ना करने थे, और ये भी इसे कितना मानते थे। अरे फैमिली मेंबर मांगते थे और 100-150 तो यूं ही निकाल करके दे देते थे, ना कोई लिखा ना पढ़ी। और ये मथरा 70 में रखा था, अब 100 लेता है, और तेवर देखो इसके। चलो खैर, जग्गा बहुत ही प्यारा लड़का था, और मुझे तो वो दिन अब भी याद है जब जग्गा अपनी बीवी ब्याह कर लाया था। 2 सूट दिए उन्होंने बनवा के और एक गर्म कोट, और साथ में 500 रुपए। मैंने कहा क्यों नौकरों पर पैसे लुटाते हो, 5 रुपए भी ज्यादा तनख्वाह मिली ना पीठ दिखा के निकल जाएगा। तो कहने लगे, अरे जाने दे समित्रा, अब कुएं में से पानी निकालने से कुआं खाली थोड़ी हो जाएगा, कम से कम टिके तो हुए ना। मैंने कहा ठीक भी बात है, और ये भी कितने समझदार हैं, क्या कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी पड़ी है तो कुत्ता भौंकेगा नहीं, चल टिका तो हुआ है। अब जग्गा जैसा बावर्ची है भी तो नहीं पूरे शहर में, बस ये हमें साग मीट खिलाता रहे और हमें कुछ क्या चाहिए। और मुझे तो वो दिन भी याद है जो भी जग्गा को पहले दिन लाए थे, हाय दूर से आवाज लगाए, ए सुमित्रा तेरे लिए नौकर ले आया हूँ। हाय मेरा तो दिल धक धक करने लगा, और जग्गा कैसा जैसे जंगल से हिरण पकड़ आया, डरा डरा सा, बड़ी बड़ी आंखें हिरण जैसा से ताकता था। अरे ये कांटे कहाँ से बनवाए, असली हीरे है कि नहीं, ये देख मेरी नथ छोटी सी, जरा सा हीरा लगवाया है और इसमें 700 रुपए लग गए। अब किसी पे ऐतबार तो कर नहीं सकते ना। जग्गा था तो मेरे जेवर की पिटारी इधर उधर पड़ी रहती थी, मजा ले जो एक गहना इधर से उधर हो जाए। और सच बताऊं मथुरा के आने से तो मैंने सब कुछ लिया और बैंक में जमा कर दिया, अब कुछ मन भी नहीं करता पहनने ओढ़ने का। जग्गा था, एक चीज मेरी इधर से उधर नहीं होती थी, अब किसे पता था ऐसे चला जाएगा। अब अपनी अपनी किस्मत है, कोई कर भी तो क्या सकता है, पर अगर मुंह से कुछ फूट देता, कुछ बोल देता ना तो बच जाता। इसने तो मुंह ही ना खोला, अब इनके सामने मुंह ना खोला, हवा तक ना लगने दी क्या हो रहा था। और वो तो मुझे अंदर की सारी बातें पता थी, वरना जग्गा इसने तो खबर भी ना होने दी ना क्या हो रहा। अब दोपहर का वक्त, भगवान छूट ना बुलवाए, दोपहर को तो हमारे घर में चिड़ी बिना पर मारती, अब मुझसे मेरी जान ना संभलती, मुझे क्या पता कि घर के पिछवाड़े में क्या हो रहा। एक दिन दोपहर को मैं आराम कर रही थी और कुसल खाने की तरफ जा रही थी, तो मुझे कुछ खटका सा लगा, मुझे लगा हाय कोई है, और जग्गे की तरफ दबे पांव चला जा रहा है। मैंने कहा हाय, इस वक्त तो जग्गे की कोठरी में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जग्गा तो इनके दफ्तर चला जाता दोपहर को। मेरे अंदर भी फुरनी फुरी, मैंने खिड़की का दरवाजा खोल के देखा तो हाय बिक्की, मेरा देवर, काला सूट पहने दबे पाव जग्गे की कोठरी की तरफ जा रहा है। मैंने कहा है इसे जग्गे की कोठरी में क्या काम, और इतने दबे पाव क्यों जा रहा है। मैंने कहा लो एक मन तो आया जाके पूछूं मुए से तू जग्गे की कोठरी की तरफ क्यों जा रहा है, पर मुझसे तो मेरी जान ना संभलती, मैं तो जाके पलंग पर पड़ गई। पर मैंने कहा आज शाम को ये आ जाएंगे तो कहूंगी जग्गा को रवा दफा करो, या तो उसकी बीवी को बोलो घर छोड़ के आए, उसका रहना ठीक नहीं। अरे भले मानस ऐसे काम अपने घरों में थोड़ी करते हैं, अरे ऐसे काम करने हैं तो जाके शादी कर लो ना, किसी का घर क्यों बिगाड़ते हो। अरे जग्गे की बीवी देखी थी ना तूने,
भाई कितनी प्यारी सहमी सहमी सी गोरी गोरी सी, और गोरी इतनी हाथ लगाओ तो मैली, इस चट के सामने क्या बोलती हो? चलो चलो सच बताओ, इनके हाथ में इनके पूरे घर में बच्चलनी बहुत है। इसके चाचा दो दो रखियाले रखी हुई थी, और इसकी चाची गुड़िया नौकर से पैर दबाती थी, खाना खाने के बाद कमरे में घुस जाती थी, और वो नौकर शंकर मुस्टंडा उसके पीछे पीछे हो लेता था। अरे मैंने खुद देखा है, और जग्गे ने भी देखा है था। और उस दिन तो क्या बताऊं तुझे, जग्गा दोपहर को घर आया, थर्मस लेने इन्होंने भेजा दफ्तर से, अब मैंने उसे थर्मस दे दी। अब थर्मस लेके जग्गा अपनी कोठरी की तरफ चल गया। मैंने कहा अच्छा कोठरी की तरफ काहे जा रहा है, जा रहा होगा उसका घर है। अब जग्गा कोठरी की तरफ जा रहा था, बिक्की जग्गे की कोठरी से बाहर निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या, और जग्गा भी एकदम टकटकी लगा है बिक्की को देखे, और जग्गे ने तो बस एक बात बोली, बिक्की बाबू, बस यही कहा। और बिक्की करमुहा चट जग्गे की तरफ एक नजर भी ना देखा उसने, और चुपचाप वहां से निकल लिया, और जग्गा चुप। मैंने कहा मेरा तो दिल धक 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 करने लगा। मैंने कहा अब जग्गे की बीवी की खैर नहीं, खूब सूटेगा उसको, और कहीं जान से ना मारते, इन लोगों का भरोसा भी तो नहीं है ना। मैं तो चुपचाप जाकर अपने पलंग पर पड़ गई, पर ध्यान मेरा जग्गे की कोठरी की तरफ कि अब वहां से रोने चिल्लाने की आवाज आए, अब मारने पीटने की आवाज आए, पर वहां तो चुप ना हूं ना। मैंने कहा इतने शरीफ आदमी का भी क्या फायदा, दो लप्पड़ लगाए अपनी बीवी के ठिकाने आ जाए अकल। अरे 100 तरीके होते हैं औरतों को काबू करने के लिए, पर मैं क्या करूं। मैंने तो कह दिया शाम को यहाँ आएंगे तो मैं इनसे बात कर लूं। अब शाम को ये दफ्तर से जवाए आते ही कहने लगे, जग्गा 5-6 दोस्त आ रहे हैं, जरा 5-6 तरकारियां बना लेना और साग मिर्च जरूर बनाना। जग्गा इनके सामने जब आया तो जग्गा चुप, एकदम चुप, और रंग ऐसा उसका पीला जैसे मुर्दे का होता है। मैंने कहा मैं तो एकदम मेरा दिल धक 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 कर रहा था। अब इन्होंने जग्गे से बोला, जग्गा चुप, तो जग्गे को कहने लगे, जग्गे अरे क्या हुआ बेटे, गांव से कोई बुरी खबर आई है क्या, इतना गुमसुम है? पर जग्गा चुप कुछ ना बोले। तो मैंने इन्हें समझाया कि चलो जा जग्गे तू जा रसोई में जा खाना वाना बनवा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चलो रसोई में देख कर आती हूँ कि जग्गा कर क्या रहा है। रसोई में देखा तो जग्गा रसोई के बीचों बीच पत्थर बना खड़ा है। मैंने कहा इसकी तो अकल पथरा गई, मैं तो उल्टे पांव वापस गई और इनको बोला है जग्गे को कुछ हो गया, तुम एक काम करो इसे 2 दिन की छुट्टी दे दो और खाना बाहर से मंगवा लो। ये उसको छुट्टी देने के बजाय भागे रसोई में और एकदम नाराज हो गए। अरे तू जानती है जब भी भड़कते हैं कितना भड़कते हैं, फिर आगा देखते ना पीछा, मुझे कितनी बार नौकरों के सामने इन्होंने बेइज्जत करा। इतना भड़के जग्गा पर उसे डांटने लगे, बच्चा कमीना बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ तेरी, बोलती कैसे बंद हो गई, तेरी जबान घिसती है मुझे बताने में क्या हुआ। मैंने कहा कुछ हो गया जग्गा चला गया तो खाना कौन बनाएगा, 3-4 घंटे में मेहमान आने वाले। मैंने जग्गे इनका हाथ खींचा तो इन्होंने मेरा ही हाथ झटक दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें मनाया बुझाया, और ये तो जग्गे का कान पकड़ के उसे रसोई से बाहर ले आए और बुरी तरह लताड़ने लगे। मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा अरे रहने दो जी, 2-4 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, खाना कौन बनाएगा। मैंने कहा जग्गे तू जा रसोई में जा। क्या दिन कटा था वो भी, चलो अब शाम को खाना खाने मेहमान जब आए रात में, हाँ खाना जग्गे ने बनाया था, पर बेचारे ने बिल्कुल चुप मुंह बंद करके खाना बनाया था, पर क्या खाना बनाया था, और साग मिर्च तो वाह। और खाना खाते खाते इनका भी दिल पसीज गया, अब तो तू जानती है इनका दिल तो समंदर है। क्या कहने लगे, जग्गे राय साहब कह रहे हैं साग मिर्च बहुत अच्छा बना है, तो एक काम कर जा तेरा कसूरमा और 10 रुपये तनख्वाह तेरी बढ़ा दे। चलिए साहब, सारे लोग खाना वाना खा के खुशी खुशी चले गए। तो शाम को भी मैंने इनसे कह दिया रात में, मैंने कहा देखिए अब बिक्की की शादी की बात करो, उसकी शादी कराओ वरना भटक जाएगा। तो कहने लगे अरे समित्रा जाने देना, अभी तो छोटा है, उसके तो मुंह से दूध भी ना सूखा। मैंने कहा अरे जवान लड़का है, कहीं भटक गया तो फूटा छुड़ाए सांड की तरह जगह जगह मुंह मारेगा। तो कहने लगे छोड़ सुमित्रा, बेवकूफियां तो जवानी में सभी करते हैं, इसने कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा लो अब मैं इसके आगे क्या बोलती,
मर्द लोगों को तो तू जानती है, उन्हें 10 बातों का ध्यान रहता है। पर चलो, अब करती भी तो क्या करती, बिक्की को इतना प्यार भी तो करते थे, बच्चे की तरह पाला था उसे। सुबह अगले दिन सुबह 8:30 का वक्त था, मैं पिछवाड़े में बाल सुखा रही थी। अब बाल इसलिए सुखा रही थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी आती है वहां पर। तो तभी मैंने देखा ये जग्गे की कोठरी में कुछ हलचल सी हुई, और पिछवाड़े हमारे घर के रेलवे लाइन है, वहां सारी रेल आती है, ट्रेन आती है, रुकती है अगर उन्हें सिग्नल ना मिले, फिर धीरे धीरे अपना रास्ता कर लेती है। बट एक ट्रेन है फ्रंटियर जो बस 8:30 बजे आती है। देखो तो जग्गा वहां से अपनी कोठरी से भागा चला आ रहा है। मैंने कहा है जग्गे को क्या हुआ? मैंने कहा जग्गे जरा सुरस्ता को भेजना, मुझे काम है। अरे उसने सुना ही नहीं, और जग्गा इतनी जोर से भागा हुआ आया और पिछवाड़े की छलांग मारी दीवार और जाके रेलवे लाइन के ढलान चढ़ने लगा। मैंने कहा है जग्गे को क्या हुआ है? और देखो मुझे तो खटका भी ना हुआ, ऐसी जोर से ट्रेन की आवाज आई, धप धप करती ट्रेन आई और जैसे रुक गई, जैसे कैसे पहिए खींच देते हैं ना, जैसे किसी ने चेन खींची हो। घर का माली दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा कोई हादसा हो गया, कोई हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? और पलक झपकते ये सब हो गया था, और देखा तो क्या, पड़ोस का माली भागा भागा आया, कहने लगा जग्गा मारा गया, जग्गा रेल के नीचे कट के मर गया, जग्गा कट गया, जग्गा मर गया। बहुत बुरा दिन कटा, अचानक से कैसे जगह रेल के नीचे कट गया। चलो बहुत ही बुरा दिन कटा, ये जल्दी जल्दी घर दौड़े आए। पूरा दिन टेलीफोन आते रहे, वो दिन मैं तुझे बता नहीं सकती कैसा कटा। पूरा दिन फोन आते रहे, और वो पुलिस का इंस्पेक्टर 3 बार घर आया और जग्गे की कोठरी में बार बार झांक रहा था। वो कुछ ठंडी पड़ी थी ना वहां, सुरस्ता गश खा के गिर रही थी। और पता तो है तुझे ये इंस्पेक्टर कैसे होते हैं, भेड़िए औरतों को कैसे घूर घूर कर देखते हैं। मेरा भी मन किया कि जाके उसको देखाऊं, इन्होंने मुझे रोक दिया, कहने लगे कोई जरूरत नहीं उधर जाने की, फौजदारी का मामला है, जब तक खत्म ना हो जाए बिल्कुल तुम नहीं जाओगी। और मैं क्या बोलती इसके आगे, किसी तरह ये मामला रफा दफा हुआ पूरा दिन, मैं तुझे क्या बताऊं। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, मठरी खा ले, एक मठरी ले ले और देख, ज्यादा मोटे आई हो मत, कहीं मेरी तरह मोटी हो जा रही, मोटी काय का क्या फायदा। अब मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं तो हंस भी नहीं सकती। और ये कैसे, कितने समझदार है, इन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया था। अब ये ऑफिस से आते हैं, आने का तो कोई वक्त नहीं है, और आते ब्रिज खेलने चले जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे। ब्रिज तो क्या बताऊं तुझे, मेरी सौतन है, जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ ब्रिज 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 ही से उड़ा कर ले जाती है। तो मैंने बोला अब इतना भी ब्रिज मत खेलने जाया करो, थोड़ा घर में भी समय दिया करो। तो पता क्या कहने लगे, अरे समित्रा ये ब्रिज की वजह से ही तो जग्गा का केस रफा दफा हुआ है, पुलिस का अधिकारी मेरा ब्रिज का साथी था इसलिए हम सब बच गए, वरना घर में कोई खुदकुशी करे और पुलिस तुम्हें जीने देगी। फिर मैंने कहा चलो, अब इनका दिल तो तू जानती है समंदर है। फिर भी मैंने रात को इन्हें कहा, मुझसे तो रहा ना गया, मैंने बिक्की की सारी करतूत इन्हें बता दी। तो पता क्या कहने लगे, कहने लगे अव्वल तो सुमित्रा देख, बिक्की की गलती थी या उस लड़की की ये तो हम कह नहीं सकते, इतनी सती सावित्री थी तो अंदर से कुंडी लगा के रहती। अब सही बात तो ये है कि जब औरत बढ़ावा देती है तो ये आदमी भड़कता है, लड़की कुछ कह दे अरे आदमी भरा जाता है। अब इतनी अच्छी थी तो कुंडी लगा के रहती, अब क्या पता पर्दा लटकता था वहीं से तू बिक्की को इशारा करके बुलाती। अब हम तो कुछ नहीं जानते, अब जाने दो जो हुआ सो हुआ। मैंने कहा अब क्या पता लड़की के दिल में चोर था कि लड़के के दिल में चोर था, मैं तो चुपचाप सुनती रही थी। पर वो दिन क्या कटा था, अरे तो तू कुछ खाई नहीं रही, खा लेना। अच्छा देख इनका दिल देख कितना बड़ा है, अब जग्गे का भाई रोटता पीटा गांव से आया तो उन्होंने उसे 500 रुपए दे दिए, कितना अच्छा दिल है इनका, सब समझ के लेते हैं, संभाल लेते हैं हर चीज को।
और फिर जग्गे की घरवाली का बाप आया, वो भी रोता पीटता, उन्होंने इसे भी 200 रुपए निकाल के दे दिए। मैंने कहा अब तो जाने दो ना, सब मामला तो रफा दफा हो गया, आप क्यों 9 रुपए पैसे लुटा रहे हो। तो कहने लगे जाने दे सुमित्रा, अब जग्गे ने भी तो पूरे 10 साल हमारी सेवा की है ना, और कुछ रुपए देने से गरीब का मुंह बंद हो जाता है। मैंने कहा चलो हम मरद लोग तो कितने समझदार होते हैं, चल अब तू आई, हमारा तो आधा घंटा ऐसे गुजर गया, अपनी बातें तो हमने की नहीं। अब देख अब चुपचाप से बैठेंगे और हम अपनी बातें करेंगे। अब तूने 7 मिनट बोला तो मुंह में जग्गे का नाम आ गया, ठीक है। अब देख मैं तुझे 7 मिनट खाए बिना जाने नहीं दूंगी। शुक्रिया।